नमस्कार मित्रों, तो आज हम आपको लेकर के आए हैं भोजपुर मंदिर में। ये मंदिर जो है भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 35 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में ये मंदिर पड़ता है। बहुत सारे शिव भक्त इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं, महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। ये पुरातत्व महत्व की भी एक स्थान है, इसलिए इसको उस नाते से भी देखना चाहिए। परमार वंशीय महाराज राजा भोजदेव ने इस मंदिर का निर्माण कराया और एक विशाल चबूतरे पर ये मंदिर बना है। ये भारत में जितने भी शिव मंदिर हैं उनमें सबसे बड़ी शिवलिंग जो है इस मंदिर में स्थापित है। लगभग 22 फीट की है, 2.03 मीटर ऊंचाई की शिवलिंग है, जिसमें बड़ा शिवलिंग का जो आकार है वो एक ही चट्टान के पत्थर से काट करके बना है। गेरुआ रंग का ये शिव मंदिर शिवलिंग है। ये बड़ा आकर्षक मंदिर है, अनूठा मंदिर है, और इसकी विशेषता ये है कि ये अधूरा मंदिर है, पूरा नहीं बन पाया। पूरे इसको लेकर के अनेक प्रकार की कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर का निर्माण एक ही दिन में होना था, ऐसा संकल्प था, लेकिन वो जैसे सुबह हुई रात भर निर्माण कार्य चला, सुबह हुई जितना बना उतना छोड़ दिया। लेकिन आप पूरी साइट देखेंगे इसको तो ये बात कहीं तथ्य के नज़दीक नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि जब हम यहाँ जाते हैं, अभी वो स्थान बंद कर रखे हैं, तो यहाँ पास में चट्टानों के ऊपर मैप बनाए गए, नक्शे बनाए गए कि कहाँ क्या क्या बनना था, मंदिर किस तरह से बनने थे। तो ये अकेला नहीं, और भी यहाँ मंदिर बनने थे। ये मुख्य मंदिर था, यहाँ और भी बहुत सारे मंदिर बनने थे, लेकिन वो बन नहीं पाए। तो किस कारण से बन नहीं पाए ये कह नहीं सकते। मंदिर के ठीक पीछे एक आश्चर्य ये भी होता है कि इस मंदिर पर इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने आई कैसे, चढ़ाई कैसे, क्योंकि उस समय तो मशीनें उस तरह की नहीं होती थी, तो कैसे चढ़ाई गई होंगी। तो इसके लिए बड़ा इंजीनियरिंग का एक बहुत अनूठा एक यहाँ निर्माण हमको दिखाई देता है, इंजीनियरिंग का प्रयोग हमको दिखाई देता है। तो मंदिर के पीछे स्लोप बनाया गया है, जैसे आप देख पाएंगे अभी, तो उस स्लोप पर से चट्टानों को हाथियों के माध्यम से और दूसरे प्रकार से खिसका करके लाए और मंदिर के जो निर्माण है उसमें उसका इस्तेमाल किया गया। ये जो मंदिर है वो बैतवा नदी के किनारे पर स्थित है, तो पास में ही चट्टानों के बीच में, पहाड़ों के बीच में बैतवा नदी प्रवाहित होती है, तो एक मनोरम दृश्य भी वहाँ भी निर्मित होता है। तो आगे भी ये एक और महत्वपूर्ण बात के महाराजा राजा भोज ने यहाँ बांध का निर्माण भी किया था, उसकी भी शिल्प जो है, उसका भी वास्तु जो है देखने लायक है, वो भी समझने लायक है आज के लोगों के लिए, किस तरह से उस बांध का निर्माण किया, उसकी बड़ा महत्व उसको आज समझने के लिए। राजा भोज के बारे में कहते हैं कि वो बहुत अच्छे वास्तुकार थे। भोपाल को हम जब देखते हैं तो ध्यान में आता है किस प्रकार से उन्होंने सुव्यवस्थित तरीके से भोपाल का निर्माण कराया। इसके अलावा भोपाल का जो प्रसिद्ध तालाब है उसका निर्माण उन्होंने कराया। इसके अलावा वो बहुत अच्छे लेखक थे, संगीतज्ञ थे, मतलब कला में उनकी बड़ी भारी रुचि थी। तो ऐसे प्रसिद्ध राजा भोज द्वारा निर्मित इस मंदिर में हम आपको लेकर के आए हैं। तो आगे इस वीडियो ब्लॉग में आप देखते रहिएगा।